दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने YouTube चैनल में सब्सक्राइब ओनली चैट को आप कैसे एनेबल कर सकते हैं। आप बहुत सारे वीडियो को देखे होंगे मगर इस वीडियो का पूरा ध्यान से देख लेते हो। आपसे वादा करते हैं कि आपका ये एनेबल हो जाएगा और आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। सो गाइस सब्सक्राइबर ओनली चैट से आपका फायदा क्या होने वाला है, सब्सक्राइबर ओनली चैट को आप अगर एनेबल कर देते हो जिससे क्या होगा कि जो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइव स्ट्रीम में, तो इस तरह करके आप सब्सक्राइबर ओनली चैट को अगर आप एनेबल कर देते हो तो आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नंदलाल और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का यूजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। सो गाइस अगर अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो अभी तक नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। मेरा यूजर नेम है नंदलाल कुमार 19, यह लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस अगर आप सब्सक्राइबर ओनली चैट को अगर आप एनेबल कर देते हो तो जो आपको सब्सक्राइब नहीं करेगा वो आपको कमेंट नहीं कर पाएगा। अगर वो सब्सक्राइब करेगा आपके चैनल को तभी वो लाइव स्ट्रीम में कमेंट कर पाएंगे, चैट कर पाएंगे। तो गाइस इसको आप कैसे एनेबल कर सकते हो सही तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे अपने चैनल को लॉगिन कर लीजिएगा यूट्यूब पे। इसके बाद कुछ इस प्रकार आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे हम ब्लॉग चैनल को आपको लाइव करके लाइव प्रूफ दिखाने वाले हैं। इसके बाद गाइस यहाँ पे आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे मेरा लाइव स्ट्रीम ओपन होगी। यहाँ पे टाइटल फर्स्ट में मांग रहा है, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे आप टाइटल कुछ भी दे दीजिएगा। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम दे रहे हैं फर्स्ट टाइम लाइव। फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम। इसके बाद यहाँ पे पब्लिक अनलिस्ट का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे पब्लिक कर देते हैं। इसके बाद लोकेशन पे आप यहाँ पे दे सकते हैं, अन्यथा नहीं भी दे सकते चलेगा। इसके बाद यहाँ पे नो फॉर किड्स मेट, यहाँ पे नो इट्स मेट कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद गाइस यहाँ पे थंबनेल के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे हम थंबनेल देते हैं अपना। तो यहाँ पे चाहे तो आप अपना जो थंबनेल सेलेक्ट किया लाइव स्ट्रीम वो भी यहाँ रह सकते हैं, अथवा पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके आप इसको अपलोड थंबनेल पर क्लिक करके आप कोई थंबनेल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक थंबनेल को हम लगा देते हैं जो हम बना के रखे हैं। चलिए इस वाले थंबनेल को हम लगा देते हैं। सेव पर क्लिक करेंगे। इसके बाद लाइव स्ट्रीम मेरा, जैसे हम गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो लाइव स्ट्रीम मेरा चालू हो गया गाइस। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी आपका ओनली सब्सक्राइबर मोड एनेबल नहीं है तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या करना है। इसके बाद आप बैक आ जाइएगा और गूगल क्रोम में आप आ जाइएगा। गूगल क्रोम को आप जैसे ओपन करते हैं तो गाइस यहाँ पे सर्च में आपको टाइप करना है youtube.com। इसके बाद इसे आप सर्च कर दीजिएगा। सर्च करने के बाद ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके आप इसे सबसे पहले डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइट सेलेक्ट करने के बाद गाइस देन यहाँ पर आप थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं गाइस। यहाँ पे आप अपने चैनल के लोगो पे क्लिक कीजिएगा, योर चैनल में आ जाइएगा। योर चैनल में आने के बाद कस्टमाइज चैनल में क्लिक कीजिएगा। कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करने के बाद गाइस देन फ्रेंड यहाँ पे ओपन होने के बाद कुछ इस प्रकार आपको इंटरफेस मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा जूम करके आपको हम दिखा देते हैं आपको क्या करना है। यहाँ पे थर्ड नंबर यहाँ पे कॉन्टेंट का एक ऑप्शन है, सेकेंड नंबर सॉरी, इसको आप कंटेंट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका वीडियो आ जाएगा जो जो आप अपलोड किए हैं। या लाइव वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा गाइस तो जो भी लाइव स्ट्रीम आपका अभी चल रहा है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। फर्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम जो भी हम लाइव कर रहे हैं इस पर क्लिक कर लीजिएगा और पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करके आपको क्या करना है ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आप सेकेंड वाला पेंसिल वाले आइकन के नीचे स्ट्रीम का ऑप्शन है कस्टमाइजेशन, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद गाइस यहाँ पर कुछ इस प्रकार इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे लाइव चैट को कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे सेकंड नंबर पे पार्टिसिपेट मोड तो यहाँ पे सब्सक्राइबर को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे टाइम लगा सकते हैं, कितने मिनट के बाद सब्सक्राइब करने के बाद कितने मिनट बाद वो कमेंट कर सकता है, चैट कर सकता है। यहाँ पे हम 1 मिनट दे दीजिएगा, आप अपने हिसाब से
दे दीजिएगा, 5 मिनट 1 मिनट, या एनी ड्यूरेशन भी कर सकते हैं। एनी ड्यूरेशन मतलब तुरंत सब्सक्राइब तुरंत कमेंट कर सकता है। इसके बाद शो मोड में आप यहाँ पे सेकंड दे सकते हैं, चलिए अभी 60 मिनट कुछ ऐसे देते हैं सेकंड। उसके बाद गाइस यहाँ पे हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा सब्सक्राइबर ओनली चैट एनेबल हो गया। इसके बाद हम बैक आके फिर से हम लाइव स्ट्रीम में आएंगे, तो देखते हैं लाइव स्ट्रीम अभी भी मेरा चालू है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया, मेरे ब्लॉग चैनल का नाम आ गया, 1 मिनट के बाद ही कोई मैसेज कर सकता है, शो मोड ओनली। अब जो लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे वही लोग कमेंट कर पाएंगे, चैट कर पाएंगे लाइव स्ट्रीम में। आपको हम लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाया। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इस तरह का हेल्प मिल सके। सो गाइज अगर वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बना सकूँ या आपको रिप्लाई दे सकूँ। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।